ऐसा फकीर मैं बनना चाहता हूँ। अच्छा। हर युवा बनना चाहेगा ऐसा फकीर। अच्छा। क्यों भाई, ये मोदी जैसा फकीर बनना चाहोगे नहीं चाहोगे? अरे बोलो गूंगे बेरा बोलो। मैं 3-3 बार कपड़े बदलने को तैयार हूँ, जूते बदलने को तैयार हूँ, मैं ऐसा फकीर बनने को तैयार हूँ। ऐसी जेड प्लस सिक्योरिटी, ऐसी सुविधाएं लेने के लिए मशरूम खाने के मजदूर हैं, उनका जूनियर मुझे बना दो। ऐसा मजदूर मैं भी बनना चाहूंगा। हर युवा मोदी जैसा मजदूर बनना चाहेगा यहाँ? ठीक है, नौकरी मिलेगी मिलेगी, सरकार बदलेगी। अगर गलती से ये आगे 24 में तो युवा को फांसी लगानी पड़ जाएगी। ये कांग्रेस का काम है, लेकिन उस टाइम कांग्रेस थी, उस टाइम मोदी ना था, नहीं था। अब ये खंभा भी अगर 1947 का होगा तो ये कांग्रेस ने बनाया, ये पेड़ भी कांग्रेस ने लगाया। चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है भैया इस बार कौन आ सकता है? अब तो देखो मैडम, राहुल ही आएंगे, वो ये देश के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं। लोग तो इस बार मोदी मोदी कर रहे हैं, आप राहुल कह रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं मोदी मोदी, कहाँ कर रहे हैं मोदी मोदी, पीछे ही बोल रहे हैं मोदी मोदी। ना ना ना, वो अंधभक्त है, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं बस। अच्छा, अंधभक्त है, अंधभक्त कैसे कह रहे हैं? अंधभक्त वे हैं जो 5 किलो राशन मिल जाता है उसे खा लेते हैं। अच्छा। थोड़ा गुरुद्वारे में चले जाते हैं, उन्हें खाना कमाना लेने देने से कोई मतलब नहीं है। क्या हो रहा है देश में, बेरोजगारी कितनी है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। अच्छी चीज तो नारे लगा रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ मुमकिन है, बलात्कारी है देश में, उनके राज में बलात्कारी पल रहे हैं, बेटियां नंगी हो रही है, ये मुमकिन तो है, ये मुमकिन तो है। देश में बलात्कारी घूम रहे हैं, बेटियां नंगी करके घुमाई जा रही है मोदी राज में सड़कों पर, ये मुमकिन तो है। लोग कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कब होगी? चिनमय अनंत तो आज भी मंत्रालय संभाल रहे हैं, जो मसाज करवाते थे लड़कियों से, जो बीजेपी के मंत्री थे जो मसाज करवाते थे, वो तो आप भी मंत्रालय में बैठे हैं। अच्छा, तो मतलब राहुल गांधी को देख रहे हैं? राहुल नया लड़का है, नया चेहरा है, पढ़ा लिखा है, मोदी तो खुद कहते हैं मैं अनपढ़ हूँ। लोग कह रहे हैं 70 साल में देश लूट के खा गए, इस बार नहीं आएंगे। मैडम 70 साल में सिलेंडर को आने में 350 रुपये लगे थे 2014 तक, 70 सालों में, और अब क्या रेट हो गया 1200 रुपये। देश का विकास कितना कर दिया, देश को चांद पे पहुंचा। 1,55,000 करोड़ रुपए देश पे कर्ज है, जो 70 सालों में 55,000 रुपए कर्ज था, मोदी ने शतक पे शतक मार के उसे 3 गुना कर दिया है। लोगों को हिंदू मुस्लिम में लगाते हैं, बेचारे पढ़े लिखे युवा सड़कों पे हांड रहे हैं, इन्हें भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, कोई नौकरी की बात कर नहीं रहा। लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहते हैं, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। भ्रष्टाचारी तो इनकी पार्टियों में ही है। अब इन्हें महाराष्ट्र बॉम्बे में जिसके साथ मिलकर वो बनाया उसे, और कितने 1,000 करोड़ का तो उसके ऊपर ये मोर्चा खोल रहे थे कि मैं इसका धन खींच के लाऊंगा, काला धन, और लोगों को बांटूंगा। ऐसे तो वो कांग्रेस को भी घोटालेबाज बताते, तब क्या कहेंगे आप? तो घोटाला सामने लाते क्यों नहीं, अगर घोटालेबाज है तो वो, अगर 9 साल हो गए इन्हें, अगर कांग्रेस ने घोटाला करा तो घोटाला सामने क्यों नहीं लाए वो? हम भी तो वो कह रहे थे ना 15-15 लाख रुपये सबको दूंगा, घोटाले वालों का पैसा खींच के लाऊंगा, तो लाओ ना, हमें भी तो फायदा होगा। 15-15 लाख मेरे घर में 6-7 यू है, सबको 1.5-2 करोड़ रुपये आ जाएगा 15-15 लाख लग के, तो हम तो चाहते हैं लाए क्यों नहीं अब तक 9 साल तक। कह रहे हैं मोदी है तभी आप जिंदा है, वरना अभी तक मर चुके हो। मैडम मर रहे हैं, मैडम अब भी मर रहे हैं भुखमरी से, किसान कितने 700 कुछ किसान मर गए हैं, बेटियां नंगी हो रही है सड़कों पे, बेटियों को बचाने उसके बाप और भाई गए, उन्हें भी मार दिया गया। लेकिन राशन भी तो दे रहे हैं आप। मैडम हमें राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, बताइए आप ही बताइए, बताओ कोई हो तो बताओ, भक्ति मोदी भक्त बताओ कोई आके किसको 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं? नहीं नहीं मैडम कोई रोजगार नहीं है, भुखमरी है बस, भुखमरी है। कैसे है भुखमरी? मैडम 107वें नंबर पे हमारा देश भुखमरी पे जा चुका है, ये जो इनके आंकड़े हैं उसी में हम देख के बोल रहे हैं, अपने आप से नहीं बोल रहे। भुखमरी में गरीबी में हमारा देश 107वें नंबर पर आ चुका है, जो कांग्रेस राज में नहीं था। इकोनॉमी कहाँ जा चुकी है? अच्छा, मतलब इस बार आप कुल मिला के कांग्रेस को ही देख रहे हैं? सभी, मैं नहीं, सभी देख रहे हैं, युवा लड़के जो बेचारे एज लिखड़ी जा रही है, उन्हें 6-6, 7-7, 8-8 साल हो गए पढ़ते लिखाई करते, उनकी एज ओवर एज हो गए। मोदी जी का देश विदेश में डंगा बजा, देखे G20 कर दिया। क्या है G20? ये तो कांग्रेस में भी हुआ था, वहाँ 78 देशों के लोग आए थे, पहली बार हुआ है ये, पहली बार हुआ है। हर 10 कदम पे अपना बोर्ड लगा रहे हैं वो, हमारा पैसे का गलत वो कर रहे, उपयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो, उन्हें हक है। हमारा जनता का पैसा, जो टैक्स का पैसा लूट लूट के खा रहे हैं वो, और अपने खुशियों के पीछे लगा रहे हैं, कभी कहीं देश घूमने जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, उन्हें क्या हक है? कह रहे देखे 2 लाख से लखपति दीदी ज़्यादा बनाने का सपना था। क्या 2 लाख से ज़्यादा लखपति दीदी का सपना बनाने का था? ना ना मैडम, सड़कपति बन गए सब। सड़कपति बन गए जी, सड़कों पर घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, हम भी सड़कों पे घूम रहे हैं। लोग क्या, मेरे घर में 1995 से बाइक है, वो कांग्रेस राज से, ठीक है, सन 2002 से मेरे घर में कारें हैं कांग्रेस राज से, और पहले मेरे घर में 3 कार होती थी, अब मेरे घर में 2 कार बच रही है, 1 कार और बिक गई इसकी सरकार में। इतनी बेरोजगारी है, इतना काम धंधे क्या करें, कहाँ से इंश्योरेंस कटाएं, कहाँ से टैक्स कटाएं, कहाँ से पेट्रोल भरवाएं, इतनी बेरोजगारी है। और मौका दे दो तीसरी बार, आपके सपने पूरे कर देंगे? अब तो फिर युवा फांसी लगाएंगे फिर, अब तक तो इंतजार में बैठे हैं कि नौकरी मिलेगी मिलेगी, सरकार बदलेगी, अगर गलती से ये आगे 24 में तो युवाओं को फांसी लगानी पड़ जाएगी। मोदी जी गरीबों के मसीहा है। हाँ मसीहा, 5 किलो राशन देकर मसीहा बन रहे हैं वो, हमें नहीं चाहिए 5 किलो राशन। अच्छा। हमें नहीं चाहिए कुछ भी उनकी सुविधा, हमारा टैक्स कम करे जो हमसे लूट लूट के खाया जा रहा है, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, ठीक है, और हमें रोजगार दें। वो तो
खुद बोल रहे हैं कि मैं मजदूर हूँ, मैं बड़ा मजदूर हूँ, आप छोटे मजदूर। ऐसा बस उनका जूनियर मजदूर मुझे बना दो, जो वे मजदूर हैं उनका जूनियर मुझे बना दो। ऐसा मजदूर मैं भी बनना चाहूंगा। हर युवा मोदी जैसा मजदूर बनना चाहेगा यहाँ? ठीक है जी, उनका जूनियर ही बनना। कह रहे फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ करोड़ के प्लेन में घूम रहा फकीर, ऐसा फकीर मैं बनना चाहता हूँ। हर युवा बनना चाहेगा ऐसा फकीर? क्यों भाई, ये मोदी जैसा फकीर बनना चाहोगे नहीं चाहोगे? अरे बोलो गूंगे बहरा, बोलो जनता हो। हाँ मैं फकीर बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तीन तीन बार कपड़े बदलने को तैयार हूँ, जूते बदलने को तैयार हूँ, मैं ऐसा फकीर बनने को तैयार हूँ। ऐसी जेड प्लस सिक्योरिटी, ऐसी सुविधाएं लेने के लिए, मशरूम खाने के लिए, हमारे लोगों को दाल खाने के लिए, दाल का पानी पीने के लिए। कैसे माताओं बहनों से झुक झुक के आशीर्वाद ले रहे हैं? अरे मैडम क्या झुक के, नकली कॉमेडी हो तो अपनी माँ से खाना खिलाते हुए भी वीडियो बनवाते हैं, ठीक है, माँ को लाइन में लगा के वीडियो बनवाते हैं, ये नौटंकी नहीं है। प्रधानमंत्री का माँ को एक लाइन में लगती है, हमने अपनी माँ नहीं भेजी लाइन में लगने के लिए, इतनी बुजुर्ग किसी की माँ गई है लाइन में लगने नोटबंदी में? वो तो नौटंकी बाज है मैडम, रोके भी दिखाते हैं वो। नौटंकी तो राहुल गांधी करते हैं। ना ना ना, मोदी सबसे ऊपर है, सीनियर। शरम आती है उन्हें? और वो खुद शरम, वो खुद दूसरे देश में जाके कहते हैं कि मुझे शरम आती है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। तो वो ही आएगा, राहुल ही आएगा। इस बार राहुल ही आएगा। बोल तो मोदी मोदी कर रहे हैं आप, राहुल नहीं आएगा? नहीं, बहुत परेशान कर दिया, देख रहे हो ना सारी जनता, सिर्फ कह रहे देश संभालने के काबिल नहीं है अभी वो। कौन? नहीं, राहुल गांधी। अच्छा आप राहुल गांधी को लेके आए? बिल्कुल आएगा। आप कह रहे रोजगार खत्म? बताइए कहाँ है, बताइए, बाजार मार्केटें सारी खाली पड़ी हुई है। देखिए देश विदेश में डंका बजा रहे हैं, भारत का नाम कर दिया। वो क्या भारत का नाम करेंगे? अच्छा। किस चीज में नाम कर दिया बताइए? G20 समिट कर रहे हैं। तो वो तो आता ही है, इस बार भारत का समय था तो वो आ गया, देश को चांद पे पहुंचा दिया। अरे वो तो साइंटिस्टों ने पहुंचाया, उसने क्या पहुंचाया, मोदी ने क्या पहुंचाया बताइए? तो कह रहे मोदी जी का योगदान है इसमें। क्या क्या योगदान है बताइए ना, उन्होंने तो वहाँ पे जाके झंडा और ला दिया, लो जी मैं आ गया। मोदी आएगा 100%। मोदी नहीं आएगा, कांग्रेस तो नहीं आनी, कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए? कांग्रेस इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि उनका ना नारा तब भी 1947 से किसान था, गरीबी था, आज भी वो इसीलिए रो रहे हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है। मोदी देखो देखो, मैं ना पॉलिटिक्स में एक चीज बताता हूँ, हमारे पास देर इज नो बेस्ट ऑप्शन, हमें बेटर चूज करना पड़ता है, ठीक है, बेस्ट तो कोई भी नहीं, दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं है। बट अगर तुम कंपैरिजन करोगे ना कि कांग्रेस ने क्या किया, हिस्ट्री आप सबको पता ही है, उन्होंने क्या क्या गेम खेली थी, देश के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान देने वाला कौन था, बांग्लादेश देने वाला कौन था, कौन था, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहते ना कांग्रेस किसने दिए? इसरो इंडिया का रिसर्च सेंटर, साइंस और ऊपर एस्ट्रोनॉट वगैरह का वो है सेंटर, ये मेरे ख्याल से ये काम आई गेस, वैसे मैं आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट ये कांग्रेस का काम है। लेकिन उस टाइम कांग्रेस थी, उस टाइम मोदी ना था, नहीं था। अब ये खंभा भी अगर 1947 का होगा तो ये कांग्रेस ने बनाया, ये पेड़ भी कांग्रेस ने लगाया। भैया ने बोला था, कहने लगा पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो मैं भैया से कहना चाहूँगा इनसे, तो उस टाइम पर राहुल गांधी भी नहीं थे जिस टाइम पर देश अलग हुआ था, राहुल गांधी ने थोड़ा अलग कराया, या ये जो अलग 26 पार्टी अलग हो रही है एक जगह हुई है, तो उन्होंने देश थोड़ा ही बांटा था कि अभी कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्या काम करिए। तो काम मेन ये है, जैसे उन्होंने नितिन गडकरी जी के द्वारा भी कितनी सड़कें बनवाई है, दिल्ली बॉम्बे हाईवे बनवाया, उसके अलावा जितने नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये आपके बाहर वाले जो तैयार हुए हैं सोनीपत की साइड जाने वाले, ये सब हो गए, बहुत उन्होंने काम करा। लेकिन अगर आप कहेंगे और किस पार्टी ने काम करा, तो उस चीज़ के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, बताने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा कि अच्छा उन्होंने ये काम करने की कही थी, वो होएगा, सोचेंगे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इतने साल जैसे कांग्रेस ने लगा दिए राम मंदिर के लिए, अब बीजेपी पार्टी आई, उन्होंने कहा राम मंदिर वही बनेगा, हम नहीं कहते कैसे भी बना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना या कहीं से भी बना, लेकिन राम मंदिर बना, तो हमें उन सब चीज़ों से बहुत सेटिस्फैक्शन है। और हम उन्हें बीजेपी बहुत फास्ट है, और पूरे देश भर में, पूरे देश के अलावा भी बाकी कंट्रीज भी जब बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं और बढ़ावा दे रही हैं, तो वो इसी रीज़न की वजह से दे रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो पीएम फेस है वो बहुत प्रभावशाली है हमारे देश के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी। सही, सही।